हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका टैग बफ की ब्रांड वीडियो में। एंड आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पैरट ओएस की लाइव यूएसबी फ्लैश ड्राइव कैसे बना सकते हैं, एंड लास्ट में उसको बूट भी करके दिखाने वाला हूं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। सबसे पहले जरूरत पड़ेगी आपको इन दो फाइल्स की, जिसको कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बता देता हूँ। तो फर्स्ट में मैं आपको बताऊँगा पैरट ओएस, देन सेकंड में मैं आपको बताऊँगा रूफस सॉफ्टवेयर। तो फर्स्ट की बात कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है पैरट ओएस आईएसओ फाइल, देन फर्स्ट वाली जो साइट है ये पैरट ओएस की ऑफिशियल साइट है, तो उसको आप ओपन कर लेना। यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रोल डाउन करके यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ आप रूफस सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। देन न्यू टैब में जाकर यहाँ पे डालना है आपको रूफस, देन ये जो रूफस की ऑफिशियल साइट है उस पर क्लिक करना है, देन स्क्रोल डाउन एंड देन डाउनलोड सेक्शन से आके इसको डाउनलोड कर लेना है, जो आपका ये रूफस सॉफ्टवेयर है डाउनलोड हो जाएगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ आपको बूटेबल कैसे बनाना है इसको। तो राइट क्लिक करके उसको रन पे क्लिक कर देते हैं। और जो आपको अब जरूरत पड़ेगी पेन ड्राइव की, जो कि 8 या 8 GB से ज़्यादा की होनी चाहिए, मेरी तो यहाँ पर 32 GB की है, तो और भी बढ़िया बात है। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं अब इस ISO फाइल को। अब इसको कैसे सिलेक्ट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से सिलेक्ट पर क्लिक करना है, देन उस डायरेक्टरी में जाना है जहाँ पर आपने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, देन ओपन। तो हमारी पैरट सिक्योरिटी 5.2 की फाइल जो इसमें सक्सेसफुली सिलेक्ट हो चुकी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से स्टार्ट पर क्लिक कर देना है, देन ओके। यहाँ पर ये फॉर्मेट की वार्निंग दे रहा है, तो आप यहाँ से अगर आपका कोई इसमें डाटा है तो आप पहले से उसको बैकअप करके रख लीजिए, नहीं तो आपका ये सारा डाटा डिलीट कर देगा। तो अब इसको कर देते हैं ओके। देन यहाँ से हमारी जो लाइव फ्लैश ड्राइव है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। सो मैं मिलता हूँ आपको इसको होने के बाद। लाइव फ्लैश ड्राइव बनकर रेडी हो चुकी है, तो जल्दी से मैं इसको अब बूट करके दिखा देता हूँ अपने पीसी पर। आप बूट कैसे कर सकते हैं और आप गाइस अभी मैं आपको बताता हूँ उसको बूट कैसे करना है। को अपने कोई भी सिस्टम है जो आपको उसको रिस्टार्ट कर लेना है, आपको यहाँ से प्रेस की तो मेरा यहाँ पे भी बूट की F11 है। बूट की के बाद दबाने के बाद जो आपका बूट डिवाइसेस हैं, जैसे कि मेरा ये फर्स्ट जो है मेरी हार्ड डिस्क है, सॉरी SSD है, देन सेकंड है सैंड डिस्क जो हमारी पेन ड्राइव लगी हुई है, जिसको हमने भी फ्लैश ड्राइव लाइव फ्लैश ड्राइव बनाया पैरट ओएस का। UEFI ये कोई दूसरा मोड है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं मेरे को, तो वो जल्दी से सैंड डिस्क वाला खोल लेते हैं। हमारा जो लाइव फ्लैश ड्राइव है देन यहाँ से हमारा आ चुका है ये, तो हमको इसमें से सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड देन एंटर। सो अभी आप इसको रेडी टू यूज़ है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। एंड नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हो इसको इंस्टॉल कैसे करना है अपने किसी भी PC सिस्टम पर, तो वो मैं आपके लिए ला सकता हूँ, कमेंट कर लेना। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं PC और PC रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ। सो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।